आज दुनिया को स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है, आज भारत को भी स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। देश को विकास के लिए और आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है। बहनों, भाइयों और मित्रों, बड़े हर्ष का विषय है। आगामी 14 दिसंबर प्रातः 9 बजे इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय पूर्वी दिल्ली परिसर का शिलान्यास श्रीमती स्मृति ईरानी जी करने जा रही हैं। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री, जिनका एक सपना है मेक इन इंडिया, पूरी दुनिया से जो टेक्नोलॉजी हम आयात करते हैं और जो भी रक्षा सामग्री के अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीजें हम आयात करते हैं उसमें बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा जाता है, ये विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा। और जब ये विद्यालय बनेगा तो पूर्वी दिल्ली के छात्र और छात्राएं इससे लाभान्वित होंगे। इस विद्यालय की जरूरत बहुत पुरानी थी, बहुत समय के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस जरूरत को पूरा किया है। आने वाले समय में जो छात्र नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली कैंपस जाते थे उनको अब अपने घर के समीप ही एक शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय वातावरण मिलेगा। और जो सपना इस देश के विकास का श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने देखा है उसको पूर्ण करने में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस अवसर पर इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमान अरुण जेटली जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। दिल्ली सरकार का बजट जो श्रीमान अरुण जेटली जी ने पेश किया उसमें इस परिसर के लिए 285 करोड़ का अनुदान दिया, जिससे कि पूर्वी दिल्ली का हर बालक और बालिका इससे लाभान्वित हो और देश की जो शिक्षा नीति है उसमें अपना योगदान दे, जिससे कि आने वाला भविष्य इस देश के नागरिकों के लिए और इस देश की जो हमारी मुद्रा है वो विदेशों में जाती है इम्पोर्ट की वजह से, उसके अंदर भी हमारा बचत हो सके और आने वाला समय बच्चों के लिए और देश के लिए सुखमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।